Hello friends, this is Sarika Tripathi and welcome to Utkarsh Law Classes. Friends, let's start to discuss about Indian Panel Code. तो आज मैं आपको इंडियन पैनल कोड के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो इंडियन पैनल कोड है जिसको कि फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था जो एटीन का यानी कि जो हम लोग बात करेंगे आई की ध्यान से सभी मेरे फ्रेंड्स देखेंगे जिसका फुल नेम है इंडियन पैनल कोड 1860, हंड्रेड सिक्सटी राइट इंडियन पैनल कोड 1860 ध्यान से आप इस टॉपिक को देखेंगे भारतीय दंड संहिता अठारह आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रथम विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा यह बनाई गई है जिसका गठन कब हुआ था 1834 से टीन ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और लॉर्ड मैकैले याद रखेंगे लॉर्ड मैकौले के नेतृत्व में लॉर्ड मैकौले और इसको जो एसेंट दी थी आप सभी जानते हैं लॉर्ड कैनिंग ने दी थी सहमति किसने दी लॉर्ड कैनिंग ने दी दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए और ये सहमति कब दी गई थी ये दी गई थी सिक्स ऑक्टूबर 6 अक्टूबर 1860 को दी गई थी और जबकि आपकी आईपीसी लागू कब हुई है इन्फोर्स कब हुई है तो ये लागू हुई है दोस्तों 1 जनवरी यानी फर्स्ट जनवरी 1862 याद रखेंगे ये बात आप सभी को पता है कि इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं तो चैप्टर्स हैं दोस्तों 23 और आपके सेक्शंस हैं सेक्शंस हैं टोटल 511 क्या कोई शेड्यूल वगैरह भी है जी नहीं कोई अनुसूची नहीं है तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है आज हम बात करेंगे दोस्तों जी हाँ, इसके लास्ट चैप्टर चैप्टर पे यानी कि 23 पर जो किसके बारे में है जो बातें करता है अपराध के प्रयत्न के विषय में यानी उसके लिए क्या दंड होगा जबकि ऑफेंस का अटैम्प्ट किया गया है कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि ऑफेंस विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 40 धारा 40 में आईपीसी में अपराध डिफाइन है ऑफेंस कहा डिफाइन सेक्शन फोर्टी में आपको पता है और यही आपके सेक्शन टू क्लॉज एन सी आर पी सी में भी डिफाइन है सिंपल सी बात ऑफेंस इज वॉट विच इज एक्ट विच इज एक्ट ऑ रोमशन विच इज फॉरबर्ड इन बाई लॉ ठीक है

तो फिलहाल हमें अब यह देखना है जैसा कि आप जानते हैं कि वॉट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस आवश्यक तत्व क्या है आवश्यक तत्व क्या है अपराध के आवश्यक तत्व किसके अपराध के इसमें दोस्तों आप जानते हैं फर्स्ट इज मेन्स्रिया या दुराश है दुराश है, के पहले क्या होना चाहिए एक मानव होना चाहिए मानव राइट right? एक ह्यूमन. ये ह्यूमन दोस्तों इसके अंदर क्या हो हो, दुराशे हो. ये इस से क्या करे कोई दुष्कृत करे इसके वजह से ये कोई बुरा कार्य करे कोई आपराधिक कार्य करे क्रिमिनल एक्ट करे आपराधिक कृत्य यानी कि एक्टिस इसके बाद क्या होता है दोस्तों इसके बाद इस आपराधिक कृत्य से किसी व्यक्ति को यानी पर्सन को या समाज को सोसाइटी को क्या हो जाए इंजरी हो जाए तो चलिए ये तो आपने जाना कि ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफेंस के क्या है आवश्यक तत्व इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस ये आपने जाना लेकिन ठीक है ये तो आपने जाना कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो जाके बनेगा अपराध लेकिन ये अपराध होने के स्टेप्स क्या है इस पर से भी एक क्वेश्चन बनता है एक तो क्वेश्चन आपने ये देखा कि दुराशय बिना दुराशय के एक्ट बिना मेंसरिया के कोई भी एक्ट जो है अपराध नहीं होता तो दुरा, यानी ये सारा होना जरूरी है इसके बाद दोस्तों जो एक और क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्टेप्स ऑफ द स्टेप्स ऑफ द ऑफेंस यानी एक अपराध के चरण क्या हैं? अपराध के चरण ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्या क्या चरण है यानी कैसे अपराध होना शुरू होता है आपको मालूम है सबसे पहले क्या हो दुराशय बिना या दुराश्रिया के कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होता है तो दुराशय मसरिया उसके बाद ये जो मिन्स्रिय है यानी पहले मन में दुराशय आए उसके बाद वो क्या करे तैयारी करे प्रेपरेशन करे दोस्तों प्रेपरेशन उसके बाद क्या करे अटैम्प्ट करे यानी प्रयत्न करे अटैम्प्ट लास्ट में क्या हो वो अपराध हो जाए जिससे किसी को क्षति हो रही है अपराध हो गया ठीक है ऑफेंस हो गया जिससे किसी को इंजरी हो रही है चलिए आपने देखा आपको मालूम है केवल दुराशय होना क्या पनिशमेंट का रीजन है क्या पनिशेबल है दंडनीय है केवल मैंसरिया होना जी नहीं केवल मेरे मन में क्या चलता है आपके मन में क्या चलता है कोई नहीं जानता प्रिपरेशन क्या दोस्तों दंडनीय है तैयारी दंडनीय कुछ मामलों में है जैसे सेक्शन 399 की बात कर लीजिए आप सेक्शन 399 जो कि डकैती की तैयारी है या राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी है ये प्रिपरेशन भी पनिशेबल है कुछ मामलों को छोड़ के नहीं तो तैयारी दंडनीय नहीं है ठीक है तो जनरली ये भी नहीं है कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़कर छोड़ हाँ प्रयत्न हमेशा और हमेशा यानी कि अटैम्प्ट हमेशा क्या है पनिशेबल रहेगा क्योंकि यही अगर सक्सेस पा जाए सफल हो जाए तो वो अपराध में कन्वर्ट हो जाता है तो एक्ट हो जाए ऑफेंस हो जाए वो भी पनिशेबल है और उसका अटैम्प्ट भी पनिशेबल है तो जनरली जो आईपीसी में जो प्रोविजंस आप पढ़ते हैं जिसमें कि आपको ऑफेंस बताया गया है तो दिखने को मिलता है कि ऑफेंस ये करोगे तो उसके लिए ये पनिशमेंट है और अगर इसका अटैम्प्ट किया या अबेटमेंट किया प्रयत्न किया या दुष्प्रेरण किया तो भी इसके लिए ये दंड मिलेगा ये सजा मिलेगी पर मान लीजिए कि, कि किसी अपराध के प्रयत्न के लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं उस अटैम्प्ट के लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं है आई में तब हम क्या सजा दें तब दोस्तों हम बात करते हैं चैप्टर ट्वेंटी जो कि लास्ट है विच इज लास्ट चैप्टर ऑफ द आईपीसी चैप्टर 23 और इसमें जो सेक्शन है इकलौता सेक्शन है 511 511. कहता है कि अगर वो ऑफेंस कैसा है ध्यान से देखिएगा अगर वो ऑफेंस कैसा है इसके लिए पनिशमेंट इसके लिए पनिशमेंट कैसा हो अगर किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट है तो वो इसमें नहीं आएगा 511 में नहीं आएगा लेकिन अगर उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है पनिशमेंट है दोस्तों क्या इंप्रेजेंटमेंट फॉर लाइफ यानी कि सजा अगर आजीवन कारावास है या या आपका कोई भी इंप्रेजेंटमेंट है किसी भी डिस्क्रिप्शन का किसी भी प्रकार का यानी रेग सिंपल कठोर सादा किसी भी प्रकार का कारावास है तो वो उस अपराध के लिए किसी ने प्रयत्न किया उस ऑफेंस को करने का अटैम्प्ट किया ठीक वो और उसके लिए पूरी आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं नो गिवन प्रोविजन कोई प्रोविजन नहीं है फॉर पनिशमेंट कब जब इसने इस ऑफेंस का दोस्तों इस ऑफेंस का अटैम्प्ट किया इसका क्या किया है अटैम्प्ट किया है क्यों ये ऑफेंस का इसने अटैम्प्ट किया इस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है एम्प्रजनमेंट ऑफ लाइफ है या एम्प्रजनमेंट किसी भी डिस्क्रिप्शन का यह रिग्रेस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है चलिए ठीक है इनमें से कैसा भी हो सकता है अगर इस ऑफेंस का केवल ये प्रयास हुआ है और इसके लिए कोई पनिशमेंट प्रोविजन पूरी आईपीसी में नहीं दिया ठीक तो ये आएगा सेक्शन 511 में ठीक है जिसमें आप देख रहे हैं डेथ पनिशमेंट नहीं है ठीक इसके बाद क्या कि कितना पनिशमेंट इसको दिया जाए तो दोस्तों फिर हम ये देखेंगे कि वो जिस ऑफेंस का अटैम्प्ट किया है जिसने प्रयास किया है जिस अपराध के लिए उस ऑफेंस के लिए क्या सजा है क्या पनिशमेंट है उसका जो भी पनिशमेंट है जो भी पनिशमेंट है उसका दोस्तों मैक्सिमम का मैक्सिमम जो भी है अधिकतम दीर्घतम जो भी अवधि है उसका उसे वन बाई टू या हाफ दिया जाएगा सजा के रूप में जैसा आप जानते हैं राइट right? पनिशमेंट सजा जो भी है जैसे बात कर लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सेक्शन 378 जिसमें थेफ्ट है चोरी है जो कोई चोरी का प्रयास करेगा राइट right? और आपको मालूम है थेफ्ट के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट है दोस्तों अप टू थ्री इयर्स यानी मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ तीन साल का कारावास थ्री इयर्स एम्प्रजनमेंट या कारावास तो अब यहां पर इस मैक्सिमम यानी थ्री ईयर का हम हाफ निकालेंगे यानी डेढ़ साल की सजा उसे मिलेगी इसका हम क्या निकालेंगे वन बाई टू निकालेंगे अच्छा एक तो आपने ये देखा दूसरा मान लीजिए फाइन कितना फाइन जो उस ऑफेंस के लिए दिया है वो वही सेम सेम फाइन जो उस ऑफेंस के लिए है वो या दोस्तों बोथ हो सकता है यानी कुछ इम्प्रजनमेंट दे दिया जाएगा और कुछ फाइन भी दिया जा सकता है तो आपने यहाँ पे ये देखा नंबर वन कि अगर ऐसे ऑफेंस का अटैम्प्ट किया जिसके लिए कहीं कोई आईपीसी में प्रोविजन नहीं उस ऑफेंस के लिए सज़ा या तो आजीवन कारावास है या कारावास किसी भी तरह का है तो 511 में हम उस अपराध के लिए जो दीर्घतम अवधि है मैक्सिमम ड्यूरेशन है पनिशमेंट का उसका हम हाफ देंगे जुर्माना कितना देंगे फाइन कितना देंगे जितना उस ऑफेंस के लिए दिया है उतना ही देंगे या दोनों दे सकते हैं ठीक है अब बात मान लीजिए कि ये जो पन... अगर मान लीजिए ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था आजीवन कारावास उसे मिला है अब इसका ये मैक्सिमम है अपराध की सजा आजीवन कारावास है दीर्घतम है कि आजीवन कारावास या एम्प्रेजमेंट फॉर लाइफ ठीक अब इस मामले में आप हाफ कैसे निकालेंगे जी हाँ बिल्कुल सही सेक्शन 57 देखेंगे दोस्तों आईपीसी का हम बात पूरी आईपीसी की कर रहे हैं सेक्शन 57 देखेंगे जो कि कहती है कि अब यहाँ हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे एम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ के लिए और यहाँ एम्प्रजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास के लिए भिन्न निकालने के लिए इसकी ड्यूरेशन क्या होगी जी हाँ बिल्कुल 20 इयर्स होगी दोस्तों याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछता है धारा सत्तावन में दिया है सेक्शन 57 में दिया है कि 20 इयर्स का हम वन बाई टू निकाल कर उसको पनिशमेंट दे सकते हैं या उसमें जो जुर्माने की सज़ा दी है वो दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं जैसे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के जेब में हाथ डाला चोरी करने के इंटेंशन से बेईमानीपूर्ण आशय से इंटेंशन से, और जेब खाली थी कुछ नहीं पाया लेकिन दोस्तों उसने चोरी का प्रयास कर दिया वो इसमें आएगा साथ साथ यहीं पर आपको यह देखना है कि आपको एक अंतर भी याद रखना है सेक्शन 461, सेक्शन 462 और सेक्शन 511, 511 में आप दो इलस्ट्रेशन देखते हैं जब आप एक्ट पढ़ते हैं एक संदूक को आभूषण से भरा हुआ समझ के एक बॉक्स को कि इसमें ज्वेलरी है उसने तोड़ा और उसने क्या किया चोरी का प्रयास किया आपने देखा 511 में आ रहा है जबकि 461 में कहता है कि अगर उसने बेईमानी पूर्ण आशय से तोड़ा है खोला है या रिष्टि करने के लिए बेईमानी या रिष्टि जो कि कहाँ गिवन है आपकी सेक्शन 425 में इसके इस आशय से मिसचीव करने के इंटेंशन से तोड़ा है खोला है तो यहाँ पनिशमेंट है टू इयर्स का अप टू टू इयर्स दोनों में दोस्तों डिफरेंस है अगर रिश्ते करने का भी आशय है या रिश्ते करने का आशय है तो ये चार में आ जाएगा सेक्शन 461 आईपीसी में आ जाएगा और अगर मान लीजिए उसे वही बॉक्स एंड्रस्ट किया गया होता न्यस्त किया गया होता दे दिया गया होता बट उसे अथॉरिटी नहीं दी गई होती कि तुम इसे खोलोगे राइट और उस वक्त अगर ये खोलता तोड़ता तो दोस्तों यहाँ सजा ज्यादा है ये है अप टू थ्री ईयर्स यहां भी फाइन है और यहां भी फाइन है और बोथ है तो ये तीन साल की हो गई क्योंकि संपत्तियों से न्यस्त की गई थी इसको कोई प्राधिकार नहीं था कोई अथॉरिटी नहीं था उस बॉक्स को खोलने का इसने खोला किस आशय से फिर सेम इंटेंशन या तो डिसऑनेस्टली इंटेंशन या क्या है टू तो कॉज मिसचीफ मिसचीफ करने के आशय से खोला तो ये तो ये इसमें आ जाएगा 511 में आपने सिंपल देखा है बेमानीपूर्ण आशय से उसने काम किया 511 में आ गया इसके अलावा दोस्तों जो इसमें सबसे खास बात है कि आपको एक केस इसमें जरूर याद रखना है और वो केस है अभयानंद मिश्रा का केस अभयानंद मिश्रा वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लीडिंग केस 1961 का केस है दोस्तों और ये केस आपका ये कई बार क्वेश्चन पूछता है ये सेक्शन 420 जो और सेक्शन 511 दोनों के लिए ये केस है अभियान मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दोस्तों धारा 420 और 511 दोनों तो 420 में आपने देखा है बेईमानी से और किस लिए कि रिसीटफुल मीन से प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए इंड्यूस करना तो ये आपने देखा है यहाँ पर चलिए दोस्तों एक इसी के साथ आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि इस बार होली धमाके वाली होने वाली है आप सभी विद्यार्थियों की मांग पर उत्कर्ष लेकर आया है आप सभी के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट जी हाँ दोस्तों ये अपू नाइन्टी परसेंट डिस्काउंट है और केवल पाँच दिन आप लोगों के पास हैं इसमें इसका लाभ लेने के लिए ये है आपका सिक्सटीन से ट्वेंटीथ मार्च तक टू थाउजेंड टू यानी कि आप 16 से 20 मार्च के बीच में अगर इनमें एडमिशन लेते हैं तो जो शुरू के हमारे एक हज़ार विद्यार्थी होंगे ध्यान से सुनिए स्टार्टिंग 1000 थाउजेंड स्टूडेंट्स जो इसके लिए एडमिशन लेते हैं उनको इन कोर्सेस में 90 परसेंट तक डिस्काउंट मिल जाएगा ये होली ऑफर है आप सभी के जीवन में रंग भरने के लिए आपके डिमांड पर आपके लिए इसके अलावा दोस्तों आई एस आर जी एस फाउंडेशन Argus means clat. एस एस सी बैंक पीओ क्लर्क यूपी एम पी बिहार व हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाएं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है स्कूली शिक्षा क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक नीट जेई ऑनलाइन कोर्सेज पे दोस्तों भारी छूट के साथ उपलब्ध है तो इसका फायदा उठाइए हां ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ये सोलह से बीस मार्च तक ही है जी हाँ इनमें एडमिशन लेने पर जो इनकी फीस है इसमें आपको नाइनटी परसेंट तक डिस्काउंट देने जा रहा है उत्कर्ष आपके लिए आपके डिमांड पर तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि चैप्टर ट्वेंटी थ्री आईपीसी का क्या कह रहा है कि अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में ऑफ अटैम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस पनिशमेंट फॉर अटैम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल पनिशेबल Yes, punishable with imprisonment for life or other imprisonment. Whoever attempts to commit an offense, punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the चलिए तो इसके बाद आप इसको हिंदी में भी देखें एक बार कि क्या दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है आजीवन कारावास या दोस्तों अन्य कारावास से दंडनीय को करने के प्रयत्न के लिए राइट ये किसके लिए है प्रयत्न के लिए पनिशमेंट कितना देंगे तो मैंने आपको बताया कितना उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट का आप वन बाई टू देंगे लेकिन खास बात जो आपने देखा कि यहां पर डेथ पनिशमेंट दोस्तों नहीं होना चाहिए उस ऑफेंस के लिए हाँ आजीवन कारावास है तो उसका भी हाफ दीजिए कैसे हाफ निकालेंगे अगेन देखिए सेक्शन फिफ्टी इंडियन पैनल कोड जो कि कहता है कि फ्रैक्शन आप निकालेंगे कैसे बीस साल मानते हुए इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ के लिए आजीवन कारावास के लिए तो ठीक है दोस्तों केस भी याद रखेंगे अभियानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वेरी इंपॉर्टेंट इन लीडिंग केस साथ में आज के आज ही आपको सेक्शन 461, 462 और 511 के लिस्ट्रेशन भी पढ़ने हैं रिवाइज करने हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स मुझे परमिशन दें थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू